अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हम ऑक्टल नंबर सिस्टम के एक नंबर को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम यानी कि बेस 8 का नंबर सिस्टम क्या होता है और डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑक्टल नंबर सिस्टम हमारे पास ऐसा नंबर सिस्टम है जो इन 8 डिजिट से मिलकर बना होता है, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 इन 8 डिजिट से मिलकर बना होता है। और डेसिमल नंबर सिस्टम हमारे पास जो आम रूटीन में यूज़ होने वाला नंबर सिस्टम है उसे कहते हैं, तो वो इन 10 डिजिट से मिलकर बना होता है। वो 10 डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 है। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम किस तरह हमारे पास अगर कोई इस तरह ऑक्टल नंबर सिस्टम में कोई नंबर हो तो उसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमारे पास है एक नंबर 1, 2, 3, 6 और इसकी जो बेस है वो 8 है। तो हमने जस्ट करना ये है कि इसको लेना है और उसे मल्टीप्लाई कर देना है 8 के साथ, फिर हमने दरमियान में प्लस डालना है, फिर दूसरा हिस्सा लेना है उसे भी मल्टीप्लाई कर देना 8 के साथ, फिर प्लस डालना है और आखिरी जो हिस्सा हमारे पास 6 है उसको लेना है मल्टीप्लाई कर देना 8 के साथ। इसी तरह अगर हमारे इसमें और भी हिस्से होते तो हम उन्हें 8 के साथ मल्टीप्लाई करते जाते, लेकिन इस केस में हमारे पास ये 3 ही थे। तो इस तरह हमने इनको ना कि 8 के साथ सबको मल्टीप्लाई भी कर दिया और दरमियान में प्लस भी डाल दिया। अब नेक्स्ट हमने ना कि 8 की पावर्स लिखनी है, तो उसके लिए हम इस साइड से यानी कि राइट साइड से शुरू होंगे। राइट साइड पर हमने 0 लिख देना है, आगे 1, आगे फिर 2, इस तरह आगे अगर चलता जाता तो ये 3, 4, 5, 6 होता जाता, लेकिन यहाँ पे ये एंड है तो हम ये 2 पे ही एंड कर देंगे। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि 1 उसी तरह लिख देना है। अब मल्टीप्लाई में 8 की पावर 2 है, तो 8 की पावर 2 इधर हम देखते हैं जब, तो उसका मतलब है 8 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, 8 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना, 8, 8, 64 होता है। तो यहाँ पे हम ना कि 8 की पावर 2 की जगह अपने 64 लिख देंगे। अब उसे प्लस फिर उसी तरह आ जाएगा, ये 2 भी उसी तरह आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई आ जाएगा। 8 की पावर 1 का मतलब है 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जवाब 8 ही आएगा, तो वो हमने इधर 8 ही लिख दिया। आगे ये प्लस है तो ये प्लस ही आ जाएगा, 6 उसी तरह आ जाएगा, मल्टीप्लाई भी उसी तरह आ जाएगा। अब 8 की पावर 0, ये हमें पता है कि अगर किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 आता है, तो 8 की पावर भी 0 है तो उसका आंसर 1 आ गया। तो अब 8 की पावर 0 की जगह हमने 1 लिख दिया। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे कि 1 को 64 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जवाब 64 ही आता है। फिर प्लस उसी तरह आ गया, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करें 16 जवाब आ जाएगा, और 6 को 1 से करें तो ये 6 आ जाएगा। अब हमने इन सब को प्लस कर देना, 64 जमा 16 जमा 6, हमारे पास जवाब आ जाएगा 86। इस तरह हमारे पास ये जो नंबर था ऑक्टल नंबर सिस्टम में उसको हमने इजीली के डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया। अब इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं, ये हमारे पास एक और एग्जांपल है जो कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में है, इसको हमने डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। इसके लिए भी हम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। सबसे पहले ये 4 को हमने मल्टीप्लाई किया 8 से, फिर दरमियान में प्लस डाला, फिर 2 को 8 से मल्टीप्लाई, फिर 4 को 8 से मल्टीप्लाई, फिर 0 को, फिर इस 0 को, फिर इस 2 को। इस तरह हमने इन सब को, ये जितने भी हमारे पास इधर डिजिट्स थे इन सब को हमने 8 से मल्टीप्लाई करते जा, 8 से हम इसलिए मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो इसकी बेस है वो 8 है। अब नेक्स्ट हमने उसी तरह कि राइट साइड से ना इनकी पावर्स लिखते जाना है 8 की, ये 0, 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो नेक्स्ट फिर हम ना कि इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 8 ये 4 तो उसी तरह आ जाएगा, तो 8 की पावर 5 है, तो इसका मतलब 8 को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करना, 8 ज़रब 8 ज़रब 8 ज़रब 8 ज़रब 8। जब इनको हम 8 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये जवाब आ जाएगा 32,768। तो ये हमने 8 की पावर जो 5 थी उसकी जगह हमने ये लिख दिया। प्लस में उसी तरह ये 2 उसी तरह आ जाएगा, फिर 8 की पावर है 4, 8 की पावर 4 का मतलब है कि 8 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, तो 8 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये जवाब आ जाता है 4,096। तो हम ये इधर लिख देंगे 4,096। फिर उसी तरह 4 उसी तरह आ जाएगा, 8 की पावर है 3, 8 की पावर 3 का मतलब 8 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जवाब आता है 512, हमने इधर 512 लिख दिया। 0 उसी तरह आ गया, फिर ये मल्टीप्लाई उसी तरह, 8 की पावर 2 का मतलब है
कि 8 को 2 दफा मल्टीप्लाई करें तो जवाब आता है हमारे पास 64। हमने इधर 64 लिख दिया, तो ये जीरो उसी तरह आ गया 8 की पावर 1, तो उसका जवाब हमारे पास 8 ही आएगा, क्योंकि 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें जवाब 8 ही आता है। ये प्लस उसी तरह ये 2 आ जाएगा 8 की पावर 0। 8 की पावर 0 का मतलब है कि उसका जवाब 1 है, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो उसका जवाब 1 आता है। तो इस तरह हमने इन सब पावर्स को इधर हमने ये कन्वर्ट करके लिख दिया। अब नेक्स्ट हम ना कि 4 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये जवाब आ जाता है, 2 को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये जवाब आ जाएगा, 4 को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये जवाब आ जाएगा, 0 को 64 से मल्टीप्लाई करें तो वो 0 ही आएगा, 0 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 2 आएगा। अब नेक्स्ट इन सब को हम ना कि प्लस कर देते हैं, इन सब को प्लस करें हमारे पास ये आंसर आ जाता है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास एक नंबर ऑक्टल नंबर सिस्टम में था, यानी बेस 8 के नंबर सिस्टम में था, उसको हमने ये सारा प्रोसेस फॉलो करते हुए हमने डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया है। तो इस तरह आप लोगों के पास अगर कोई भी नंबर जो आएगा ऑक्टल नंबर सिस्टम या फिर बेस 8 के नंबर सिस्टम में, तो आप लोग उसे ईजिली इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह निगेबान।